अपनी स्किन को जो है दानों से और कील महासों से कैसे बचा के रख सकते हैं, यानी कि एक्नी से, पिंपल से कैसे बचा जा सकता है, ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स को कैसे अवॉइड किया जा सकता है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम ऐसा जो अपना फेस वॉश है वो रखें जो कि ऑयल बैलेंसिंग हो। जिस वक्त आपकी स्किन का ऑयल बैलेंस रहेगा तो ये इशू नहीं आएगा कि सीबम बन रहा है और वो किधर को जाए और कैसे जो है वो आपकी स्किन जो है वो ठीक रहे और उसके ऊपर दाने और पिंपल्स ना बने। एक तो बहुत ज़रूरी है कि हम ऑयल बैलेंसिंग फार्मूलाज जो हैं वो फेस वॉश करने के लिए यूज़ करें। कोई ज़रूरी नहीं होता, अगर आपकी स्किन जो है वो नॉर्मल है या नॉर्मल टू ऑयली है तो आप ऑयल बैलेंसिंग फार्मूलाज ऐसे होते हैं अवेलेबल या ऐसे हम प्रिस्क्राइब कर देते हैं जिनको यूज़ करने से आपकी स्किन ड्राई नहीं होगी लेकिन आपके पोर्स क्लॉग नहीं होंगे। ठीक है, इसमें मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगी। जैसे आप ये देखें, ये आपका पोर है, इधर आपका पोर है और ये उसकी ओपनिंग है जो आपको फेस के ऊपर नज़र आती है। ये नीचे जो है वो इसका सैक है, ठीक है, इसका एरिया है या इसका घर है। इसी घर के अंदर डिफरेंट कमरे हैं। एक कमरे के अंदर हेयर फॉलिकल है जो कि बाल बनाता है, एक कमरे के अंदर स्वेट ग्लैंड है जो कि पसीना लेके आता है और एक कमरे के अंदर सेबेशियस ग्लैंड है या जिसको हम ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड कहते हैं और वो ऑयल बना रहा होता है या ऑयल प्रोड्यूस कर रहा होता है। ठीक है, अब इस कमरे के अंदर जैसे ही कुछ चोक करेगा या जैसे ही इस कमरे के अंदर स्टफिंग ज़्यादा हो जाएगी, जैसे ऑयल से भर जाए या आप ऊपर से कोई ऐसा मॉइस्चराइज़र, ऐसा सन ब्लॉक या ऐसा मेकअप यूज़ करें जो कि ऑयल बेस्ड हो और वो इसके अंदर पोर्स के अंदर फंस जाएगा तो बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं कि आपकी स्किन के ऊपर दाने बनेंगे और इससे हमने बचना है। इसलिए कोशिश ये करें कि ये एरिया आपका बिल्कुल साफ रहे। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी स्किन के ऊपर ऐसी चीज़ों को अवॉइड करें लगाना जो कि ऑयल को प्रोड्यूस करने में हेल्प करती हैं या फिर आपके पोर को क्लॉग कर सकती हैं, यानी कि पोर के अंदर फंस सकती हैं। पोर के अंदर ये फंसेगा या कोई भी चीज़ फंसेगी तो आप देखेंगे कि दाने ज़रूर बनेंगे और ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स भी बन जाएंगे।